हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स कॉटन के कपड़े से हम कान्हा जी के लिए ड्रेस, और ड्रेस बना के पहना के मैंने कान्हा जी को वीडियो के लास्ट में दिखा दिया है। कान्हा जी का देखिए लुक इस तरीके से आएगा ये ड्रेस पहनने के बाद। और आप ये ड्रेस 4 से 5 नंबर कान्हा जी को बहुत ही आराम से पहना सकते हैं। देखिए ये 5 नंबर कान्हा जी हैं, लेकिन ये ड्रेस आप 4 नंबर कान्हा जी को भी पहना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बना लेते हैं कान्हा जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रेस। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पिंक कलर का 4 इंच चौड़ा कपड़ा ले लिया है। और देखिए इसकी मैं आपको लंबाई भी नाप के दिखा देती हूँ। इसकी लंबाई हमने यहाँ पे 32 इंच की ले ली है। अब देखिए हम एक कलर कॉम्बिनेशन के लिए कपड़ा और ले रहे हैं। ये मेरे पास व्हाइट कलर में कॉटन का ही कपड़ा है। इसकी हमने चौड़ाई जो है 3 इंच की ले ली है, लंबाई हमने सेम ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, किनारे को इस तरीके से लॉक कर देना है। सीधे सीधे हमें पूरे इस पे पट्टी पे इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो चलिए हम इसे लगा लेते हैं सिलाई को जल्दी जल्दी। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पट्टी पे सिलाई लगा ली है। अब हमें इसकी किनारियों को भी लॉक कर लेना है। तो हमें सिंपली सीधे सीधे से दोनों साइड से हमें यहाँ पे इस तरीके से देखिए सिलाई लगा लेंगे। और एक्स्ट्रा धागों को फ्रेंड्स हमें संग की संग कट करना, जैसे कि हमारी ड्रेस में बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। अब ये व्हाइट कपड़े को भी हमें सेम इसी तरीके से लॉक कर लेना है। तो चलिए इसे भी लॉक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सेम उसी तरीके से तीनों तरफ से पट्टी को लॉक कर लिया बिल्कुल। और ये देखिए हमारा पिंक कलर का कपड़ा है, इस पर मैं व्हाइट कलर की कॉटन में लेस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई और कलर का, जैसे आप ड्रेस बनाते हैं तो उस कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप लेस ले सकते हैं, चौड़ी लेस भी ले सकते हैं। मेरे पास पतली थी तो मैंने पतली ही ले ली। जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ड्रेस में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमें इसे भी सिंपली सीधे सीधे पूरी पट्टी पर इसी तरीके से लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने अब यहाँ पे इतना काम कर लिया है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा व्हाइट कलर का कपड़ा है इसको हमें बिल्कुल इसके बराबर रखना है पिंक कलर के कपड़े पे किनारी से। और इसको एक बार सीधे सीधे हमें सिलाई लगा देनी है पूरी पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे सीधे सीधे बस इसी तरीके से पहले दोनों कपड़ों को एक साथ जोड़ लेना है, जिससे कि हमारा कपड़ा इधर उधर हिले डुलेगा नहीं। अब हमें देखिए यहाँ पे ऐसे पतली पतली सी प्लीट्स लगा लेनी है, ज़्यादा चौड़ी चौड़ी हम प्लीट्स नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से देखिए बहुत पतली पतली सी आधा आधे इंच की हमें यहाँ पे प्लीट्स लगा लेनी है पूरी पट्टी पे, और बिल्कुल बराबर बराबर लगानी है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे लगा लेते हैं। वीडियो को फास्ट थोड़ा सा करके इसलिए बताना पड़ता है फ्रेंड्स, वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाती है नहीं तो, और इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट करके दिखा देते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। तो देखिए हमारा कान्हा जी की ड्रेस का यहाँ पे लगभग घेरा बन गया है। और देखिए इसका किनारे का हिस्सा, जो कमर का हिस्सा है हमारा, यहाँ पे 6 इंच में 2 पॉइंट कम है, मतलब 6.25 इंच का हमारा यहाँ पे घेरे का कमर का घेरा आ गया है। 5.5 भी होगा तो चल जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे 5.5 इंच का यहाँ पे ये पिंक कलर में कपड़ा ले लिया है, और 2 इंच का हमने इसकी चौड़ाई ले ली है। इससे हम क्या करेंगे, कान्हा जी की ड्रेस में डोरी ना लगा के इसी से हम नेफा बना देंगे। इसको आप सेंटर से घेरे में और सेंटर का ही कपड़ा लें, इस तरीके से रखते हुए हमें यहाँ पे सीधे सीधे सिलाई लगानी है। नेफा बनाना आपको सभी वीडियो में मैं बताती हूँ। और इसे लगाना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। अगर आप बिगनर्स भी हैं, एक दो बार आप ड्रेस बनाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे तो आपका नेफा भी अच्छे से फिनिशिंग से बनने लगेगा। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, किनारे से इधर से हल्का सा कपड़ा फोल्ड करना है, इधर से भी ऐसे सीधा कर देना है, और ये ऊपर से पट्टी को हमें थोड़ा सा आधा सा फोल्ड करके इस तरीके से यहाँ पे पूरी पट्टी को यहाँ पे स्टिच करना है। इससे हमारा कान्हा जी की ड्रेस का डोरी भी बन जाएगी और नेफा भी बन के क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इतना काम करते हैं, इस पर हमें सीधी सीधी सिलाई लगा के कान्हा जी की ड्रेस का नेफा भी बना लेते हैं। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी जल्दी।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे नेफा बना लिया और हमारी डोरी भी बनके यहाँ पे रेडी हो गई है। और हमारा देखिए घेर का कॉलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही खूबसूरत आ रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो मैंने कॉटन का कपड़ा यूज़ किया। आप अगर सिल्की कपड़ा, साटन का कपड़ा, चंदेरी वगैरह कोई भी कपड़ा हो तो आप उससे इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन करके बना सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे 11.5 इंच की लंबी कपड़ा ले लिया है, 4 इंच की चौड़ाई का। इसको हमें देखिए बिल्कुल पीस से सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करना है। दोनों साइड से हमें इस तरीके से कपड़े को मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद हमें एक पतली सी पट्टी बना लेनी है, जिसकी चौड़ाई आप 1 इंच रख सकते हैं। कंप्लीट जो हमारी पट्टी की चौड़ाई आएगी, 1.25 इंच से ज़्यादा आप ना रखें, क्योंकि फिर पट्टी हमारी कंधे की काफ़ी चौड़ी हो जाती है। ज़्यादा चौड़ी पट्टी भी कान्हा जी को अच्छी नहीं लगती है। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो कान्हा जी की ड्रेस का फिटिंग बहुत ही खूबसूरत आता है। रेडीमेड ड्रेसेस में फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि चोली की जो पट्टी की चौड़ाई होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हम इस तरीके से ड्रेस बनाते हैं जिससे कि फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब देखिए हमें यहाँ पे चोली के लिए जो हमने पट्टी तैयार की है उस पर भी हमें व्हाइट कलर का कपड़े में जो व्हाइट कलर लेस यूज़ की थी वही मैं यूज़ कर रही हूँ। बस एक लेयर हम इसमें लगा देंगे, इससे हमारे चोली का लुक बहुत ही खूबसूरत आ जाएगा। तो इसे भी हमें सीधा सीधा लगा देना है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरीके से किसी भी साइज़ में कान्हा जी के लिए ड्रेस बना सकते हैं। असली जो होता है आप कितना भी घेरा ले सकते हैं, असली जो होता है कान्हा जी का कमर का हिस्सा होता है। तो देखिए हमने यहाँ से कपड़े को बीच में यहाँ पे कट कर लिया है और इसे हमें तिरछा करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको बैक कर देंगे और सिलाई को निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे चोली भी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। धागों को हमें जो एक्स्ट्रा होते हैं फ्रेंड्स, हर बार संग के संग कट कर देना। और देखिए बिल्कुल सेंटर पॉइंट निकालते हुए हमें सिंपली यहाँ से अपनी डोरी चोली को अटैच कर देना है। आप चाहे तो चोली अलग से भी रख सकते हैं, लेकिन अलग से रखते हैं तो ज़्यादातर फ्रेंड्स चोली ढूंढनी पड़ती है कान्हा जी को, जैसे ड्रेस बनाते हैं मिक्सअप हो जाता है। इसीलिए चोली अटैच बनाएंगे तो आपको ड्रेस रखने में, धोने में और पहनाने में बहुत ही ईजी रहेगा। ये देखिए हमने यहाँ पर चोली भी अटैच कर दी है फ्रेंड्स, और हमारा देखिए यहाँ पे ड्रेस लगभग बन के तैयार हो गया। अब हम चलिए कान्हा जी की कैप बनाएंगे। उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे 3 इंच चौड़ा कपड़ा और 8 इंच लंबाई का कपड़ा लिया है। हल्की सी किनारी को देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे फोल्ड कर लेना है फ्रेंड्स। और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपको अलग से मतलब मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी के ऊपर इस तरीके से लेस लगा दीजिए। आपके कपड़े की किनारी भी लॉक हो जाएगी और लेस भी लग जाएगी, इससे आपका क्या होता है काम आसान हो जाता है। तो आप इस तरीके से लेस लगा सकते हैं, और ना चाहे तो आप पहले कपड़े की किनारी को फिनिशिंग कर लीजिए, उसके बाद आप लेस लगा लीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पे लेस भी लगा ली है और एक्स्ट्रा धागों को हम यहाँ पे कट करेंगे। ये देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, हमें कैप बनाने के लिए आप चाहे तो प्लीट्स की भी कैप बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें लास्टिक यूज़ करूँगी। एक सिलाई मैं किनारी पे और लगा देती हूँ, जिससे कि हमारी जो लेस है कपड़े के साथ बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगी। देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, देखिए जहाँ से हमारी लेस लगी हुई है वहीं से हमें लास्टिक लगानी है, बिल्कुल किनारी से। थोड़ा सा हमारा कैप का जो फ्लो आता है उसके लिए हमें थोड़ा सा गैप करते हुए, आप चाहे तो इस पर निशान लगा सकते हैं, 1/2 इंच की दूरी पर आप यहाँ पर लास्टिक लगा लीजिए। और देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। ज़्यादा खींच के लास्टिक मत लगाइए, नहीं तो कान्हा जी की कैप काफ़ी टाइट हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती है, ढीली ढाली गर्मी में अच्छी लगती है। अब देखिए हमें कपड़े को फोल्ड करना है। फोल्ड करके जो किनारी है हमारी, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पे सीधे सीधे एक बार सिलाई लगा देनी है। और याद रहे फ्रेंड्स, सिलाई को लॉक करना ना भूलें, नहीं तो यहाँ से आपकी जो कान्हा जी की कैप है या ड्रेस है वो उधड़ सकती है। तो जब भी आप सिलाई लगाइए, सिलाई को लॉक करना ना भूलें। तो ये देखिए हमारा ये इस तरीके से कान्हा जी के फेस पे आएगा। अब मैंने देखिए यहाँ पे सुई धागा ले लिया है, बस हमें सिंपली यहाँ पे कच्चा सा जैसे हम करते हैं उस तरीके से हमें किनारी को पकड़ते हुए कच्चा कर देना। अब देखिए हमने यहाँ पे जैसे कच्चा कर लिया, सारी जो हमारी ये जो चुन्नटे हैं इसको इकट्ठा करना और यहाँ से 2-3 बार अच्छे से यहाँ पे स्टिच करके यहाँ पे नॉट लगा के धागे को हमें कट कर देना। हमारे कान्हा जी की कैप बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। आप इसी तरीके से छोटे कान्हा जी, बड़े कान्हा जी, किसी के लिए भी आप ये बना सकते हैं। तो देखिए हमारी यहाँ पे कैप बन गई है। अगर आपको देखिए, मैं काफ़ी ऐसी कैप बनाती हूँ जिससे हमारे जैसे कान्हा जी का जूड़ा होता है वो भी कवर हो जाता है। अगर आप चाहते हैं छोटी कैप बनाना, तो आप एक काम करिए, 3 इंच की जगह 2.5 इंच का कपड़े की चौड़ाई ले लीजिए, तो थोड़ी सी कान्हा जी की जो हाइट है जो कैप की वो कम बन जाएगी। देखिए हमारी कान्हा जी की ड्रेस अब लगभग
बनके क्या पूरी तैयारी हो गई है, और कैप भी हमारे यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। और ये मेरे 5 नंबर के काना जी हैं, ये 4 नंबर काना जी को भी आप ड्रेस पहना सकते हैं, बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमें चोली की पट्टियाँ पीछे ले जाके क्रॉस करनी है, और क्रॉस करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे ये डोरी जो हमने बनाई है इसको हमें यहाँ पे नॉट लगा देनी है काना जी की। देखिए ड्रेस पहनाना भी बहुत ईजी हो जाता है जब चोली अटैच रहती है। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से नॉट लगा देंगे, और काना जी की ड्रेस का देखिए बहुत अच्छे से काना जी को कवर कर रही है, बहुत ही सुंदर इसका लुक आ रहा है। कैमरे में इतना थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है कभी कभी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे काना जी की जो लुक है बहुत ही खूबसूरत आ रहा है, और गर्मी में बहुत ही कंफर्टेबल है ये ड्रेस पहनाने के लिए। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये ड्रेस अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये हो गया हमारे फ्रेंड्स काना जी का फ्रंट लुक। मैं आपसे फिर मिलती हूँ ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।